दोस्तों नमस्कार और स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों देखिए, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है, दिन का टेम्परेचर जो है अराउंड 35 से 40 डिग्री के बीच में रह रहा है दोस्तों। तो हमें कुछ चेंजेस अपने सेटअप में करने होते हैं दोस्तों गर्मियों के लिए, जो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर इसको अगर हम नज़रअंदाज कर देते हैं दोस्तों, तो ये हमारे सेटअप के लिए, हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही फैटल हो सकता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस होते हैं जो गर्मियों के स्टार्टिंग में हमें अपने सेटअप में करने चाहिए। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती है तो जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों, जो हमें अपने सेटअप में ध्यान देना चाहिए, वो है प्रॉपर एयर वेंटिलेशन का। ये दोस्तों प्रॉपर एयर वेंटिलेशन बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्दियों में तो दोस्तों हम अपने सेटअप को अच्छे से ढक लेते हैं कि हवा अपने बर्ड्स को ना लगे और जो अपने सेटअप का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, ज़्यादा ठंडा ना हो। बट दोस्तों देखिए, गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और बर्ड्स को जो है गर्मी में जो है हीट स्ट्रोक लगने का डर रहता है, गर्मी से मरने का जो है चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए दोस्तों देखिए, आप एक चीज़ का सबसे पहले इंश्योर करेंगे कि आपके जो सेटअप है उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं। और अगर आपने विंटर्स में उसको कवर कर रखा है तो सारी वो जो पन्नियाँ लगी हुई हैं इन सबको खोल दीजिए दोस्तों। और अगर आपका सेटअप छत पे है या ऐसी जगह है जहाँ से हवा आने जाने का रास्ता नहीं है, तो दोस्तों ऐसे में जो है आप वहाँ एग्जॉस्ट फैन लगाकर जो है या कूलर लगाकर आप जो है उसमें इतना इंश्योर कर लें कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो रहा है। यानी वेंटिलेशन होने का मतलब है दोस्तों कि हवा एक साइड से घुस रही है और दूसरे साइड से निकलने का जो उसमें रास्ता होना चाहिए। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे दोस्तों, कई बार हुआ है और मैंने कई लोगों के सेटअप में जाकर देखा भी है दोस्तों, कि लोग कहते हैं कि मेरा सेटअप बहुत खुला खुला है, उसके बावजूद जो है उनकी बर्ड जो है हीट से मर गई या ये कैसे हुआ। तो दोस्तों देखिए, वेंटिलेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका सेटअप जो है छत के ऊपर है पूरी तरह से खुला हुआ है। दोस्तों देखिए, बर्ड को जो है डायरेक्ट हवा चाहे जाड़े में हो या गर्मी में हो, दोनों में नुकसान करती है दोस्तों। तो आप इतना इंश्योर कर लीजिए कि कभी भी जो है आपकी बर्ड को जो है डायरेक्ट जो बाहर से हवा आती है, लू आती है या जो जाड़े में हवा लगती आती है, वो डायरेक्ट आपके जो सेटअप में ना जाए। ये दोनों हमेशा आपके बर्ड के लिए डेंजरस होता है दोस्तों। इतना इंश्योर कर लीजिए कि कभी भी आपके बर्ड को या आपके सेटअप में जो है डायरेक्ट हवा ना जाए। वेंटिलेशन का मतलब है कि हवा एक साइड से जा रही हो, दूसरी साइड से उसको निकलने का रास्ता हो, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन आपके सेटअप में हमेशा होता रहे दोस्तों। जो दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है, टेम्परेचर 40 के अराउंड हो रहा है, तो आपके अगर सेटअप में अभी भी आप ब्रीडिंग ले रहे हैं या ब्रीडिंग बॉक्सेस लगे हुए हैं, तो इसको दोस्तों तुरंत आप निकाल दीजिए। तत्काल प्रभाव से दोस्तों आप अपने जो ब्रीडिंग सेटअप में जो ब्रीडिंग रोक दीजिए, क्योंकि गर्मियों में जो ज़्यादातर फीमेल्स की डेथ का यही एक सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों, कि लोग लापरवाही में या गलती से जो है ब्रीडिंग बॉक्सेस छोड़ देते हैं और बर्ड्स जो है ये उस सीज़न में ब्रीडिंग करते वक्त जो है इनकी डेथ हो जाती है। तो आपको इतना इंश्योर करना है दोस्तों कि अगर आपके सेटअप में अगर अभी भी ब्रीडिंग बॉक्सेस लगे हुए हैं तो ब्रीडिंग बॉक्सेस आप हटा दीजिए। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है दोस्तों, वो है अपनी जो सीड मिक्स है। सीड मिक्स में अब ज़्यादातर गर्मियों में दोस्तों प्रेफर करें कि उनको जो है सिर्फ प्लेन दाने, जैसे कंगनी हो गया, यही और जो जितने भी प्लेन दाने हैं वही दें, ज़्यादा वैसे दाने उसमें मिक्स ना करें जिससे जो है हीट जनरेट होती है आपकी बर्ड की बॉडी में। और आपको जो जो अपने बर्ड को जो सॉफ्ट फूड देते हैं दोस्तों, उसमें भी चेंजेस लाने होते हैं। जैसे जो सीजनल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे अभी आपको जो गर्मियों में धनिया बहुत आसानी से मिल जाएगा, मिंट लीव्स मिल जाते हैं दोस्तों, तो आपको धनिया हो गया, मिंट लीव्स हो गया, उसके बाद से जो है आप सहजन के जो मोरिंगा लीव्स होते हैं, ये सब दोस्तों आप इनको सॉफ्ट फूड में अपने बर्ड को दे सकते हैं दोस्तों। और पालक जो है दोस्तों, ये मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा पालक वीकली एक बारी दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो ये ना देकर आप अपनी बर्ड को जो है धनिया दे सकते हैं, मिंट लीव दे सकते हैं, मोरिंगा लीव्स दे सकते हैं। इनसे दोस्तों देखिए, एक तो आपकी बर्ड की जो है हेल्थ भी अच्छी रहती है, और दूसरी चीज़ दोस्तों देखिए, जो मिंट लीव्स है और जो धनिया है, ये आपकी बर्ड को जो है हीट स्ट्रोक से भी बचाता है दोस्तों, खीरा ककड़ी ये सब, तो ये सब भी दोस्तों आप अपनी बर्ड को जो है सॉफ्ट फूड के तौर पर इनको दे सकते हैं। जो चौथी चीज़ होती है दोस्तों, वो है आप अपने बर्ड को जो है कम से कम गर्मियों में एक से दो बार इनका जो दिन भर में पानी चेंज करिए दोस्तों, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में बर्ड जो है पानी बहुत पीती है, तो पानी आप भी कम से कम दिन में दो बार तो आप चेंज करिए। और जब पानी चेंज करें दोस्तों दोपहर में, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप पानी इनका दोपहर में चेंज करें दोस्तों, तो उसमें ORS थोड़ा ORS हो गया या इलेक्ट्रॉल हो गया थोड़ा, जैसे एक लीटर पानी में एक चम्मच या दो चम्मच ORS इलेक्ट्रॉल मिला दीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए
गर्मियों में आपकी बर्ड जो है पानी बहुत ज़्यादा पीती है और खाना बहुत कम, तो आपकी बर्ड जो है एनर्जाइज रहे और उसमें डिहाइड्रेशन की शिकायत ना हो, इसके लिए दोस्तों इसकी जो पानी है, पानी में इलेक्ट्रॉल या जो है ORS मिलाकर हमेशा अपनी बर्ड को जो है देिए गर्मी भर, जिससे कि आपकी बर्ड पूरी तरह जो है एनर्जाइज रहे, उसके बॉडी में जो है वाटर लेवल हमेशा मेंटेन रहे दोस्तों। और जो लास्ट चीज़ है दोस्तों, इसका अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं या लोग जो है अवॉइड कर जाते हैं, वो होता है दोस्तों क्लीननेस। देखिए गर्मियों में दोस्तों बहुत सारी बर्ड्स में बीमारियाँ फैलने के चांसेस बहुत रहते हैं दोस्तों, तो गर्मियों में आप चीज़ इतना इंश्योर करिए दोस्तों कि अपने एक सेटअप को जो है कम से कम हर 3 दिन में 4 दिन में एक बार जो है कायदे से जो है उसको साफ करते रहे, बीच में जो है उनमें स्प्रे जो है एंटी डिसइंफेक्टेंट जो है कम से कम 15 दिन में एक बार स्प्रे करते रहे दोस्तों। और जो आपके बर्ड्स के बर्तन होते हैं दोस्तों, उसको भी जो है कम से कम हफ्ते में एक बार जो है कायदे से धोकर उनको धूप दिखाकर तब उनको दोबारा अपने बर्ड को दिया करिए दोस्तों। अब दोस्तों ये जितनी भी जानकारी मैंने दी है ये आपको कहीं ना कहीं जो है काम आएगी दोस्तों, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों तो आप अभी से अपने सेटअप में ये सब चीज़ें अमल में लाकर देख सकते हैं, इससे कहीं ना कहीं दोस्तों आपको फ़ायदा होगा ही। अब दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो या कुछ और एग्जॉटिक पेट्स के रिगार्डिंग अगर आप मेरे से जानना चाहते हो दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर पहली बार है चैनल में दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।